यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे पंचदश अध्याय श्रीमद् भगवद् गीता के लघुतम अध्यायों में से एक है, किंतु यह है अत्यंत मार्मिक, जिसमें जीव जगत और ब्रह्म की रहस्यमयी गांठ को खोलकर परमात्मा के पुरुषोत्तम स्वरूप के दर्शन कराए गए हैं। संसार रूपी वृक्ष तो मूल ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। यदि परमात्मा तक पहुंचना है तो वृक्ष के फूल से मूल की ओर चलना होगा, और यह मूल परम व्योम में स्थित है। यह संसार पृथ्वी पर उगा वृक्ष नहीं है, यह सांसारिक दृष्टि से उल्टा उगा है। इसकी जड़ ऊपर और प्रसार नीचे की ओर है, किंतु ये दृष्टि सांसारिक है। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अजर अमर चैतन्य रूप आत्मा के उपदेश से प्रारंभ किया, क्योंकि समस्त सांसारिक पदार्थों की उत्पत्ति आत्मा में निहित है, जिसके संयोग से पंचभौतिक पदार्थ मिलकर सृष्टि निर्माण की ओर प्रेरित होते हैं। और ये अमृतमय चैतन्य भाव परम व्योम से मृत्युलोक तक आता है। अथ पंचदशोध्याय। मदः शाखं अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ऊर्ध्वमूलं मदः शाखं अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हे अर्जुन, ये संपूर्ण संसार अविनाशी पीपल का वृक्ष है। आश्चर्य यह है कि इस वृक्ष की जड़ ऊपर है और शाखाएं तथा पत्ते नीचे की ओर फैले हुए हैं। वेदों के शब्दों से फैले इन पत्तों को जो पढ़ लेता है वही वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। यदि परमात्मा को जानना है तो इस वृक्ष के मूल तक की यात्रा अपेक्षित है। अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुण प्रविद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान् यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके नारूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। हे अर्जुन, संसार रूपी इस पीपल की नीचे ऊंचे फैली शाखाएं त्रिगुण से प्रवृद्ध हुई हैं। इसकी लाल कोपलें ही विषय भोग हैं, जो मानव को अपनी ओर आकृष्ट करके कर्म बंधन में बांध लेती हैं, जिसकी जड़ें अधा पतन की ओर ले जाती हैं। ये संसार जैसा दिखता है वैसा तात्विक दृष्टि से देखने पर नहीं दिखाई देता। वैराग्य का शस्त्र लेकर ही इसे काटा जा सकता है। ये आदि अंत और प्रतिष्ठा से परे व्यापक संसार परमेश्वर तक जाने नहीं देता। तताह पदम तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यताग प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम् तत्। हे अर्जुन, संसार रूपी वृक्ष को यत्न पूर्वक काटने के बाद ही परमेश्वर की खोज करने का विधान है, क्योंकि परमात्मा की खोज में निकले व्यक्ति को संसार अपेक्षित नहीं है। वैसे भी जब मूल तक पहुंच गए तो फूल और पत्तों में भटकना नहीं चाहिए। जो परमेश्वर के ध्यान में मग्न होकर परमेश्वर में दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं, जिनके अहंकार मोह आसक्ति आदि दोष नष्ट हो जाते हैं, जिनकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, दुख सुख द्वंद्वों से परे ऐसे ज्ञानी व्यक्ति ही परमात्मा के अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। न तद् भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठा निन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जहाँ न सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा न अग्नि, वह मेरा परम धाम है। जहाँ जाकर मनुष्य फिर जन्म नहीं लेता। इस देह में सनातन जीवात्मा मेरा अंश है, जो अपने चैतन्य भाव से पांचों इंद्रियों और छठे मन को सक्रिय करता है। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धा निवाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्यायं विषयानुपसेवते। एकंते जैसे पवन गंध को आकर्षित कर लेता है, वैसे ही जीवात्मा जीर्ण शीर्ण देह को त्याग कर मन और इंद्रियों सहित दूसरी देह को ग्रहण कर लेता है। ये जीवात्मा ही कान आँख त्वचा जिह्वा नासिका तथा मन के द्वारा विषयों का उपसेवन करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। हे पार्थ, शरीर में स्थित जीवात्मा विषयों का भोग करते हुए जीवात्मा और शरीर का त्याग करके जाने वाले जीवात्मा में वस्तुतः कोई भेद नहीं है। अज्ञानी तीन गुणों से युक्त जीवात्मा को पृथक पृथक करके देखते हैं, किंतु ज्ञानी तात्विक दृष्टि से उसे एक ही मानते हैं। मनुष्य की देह भी संसार की एक इकाई है, और जो तत्व संपूर्ण में होते हैं इकाई में भी होते हैं और उसी क्रम से होते हैं। यदि संसार रूपी वृक्ष की जड़ें ऊपर हैं तो इस देह की जड़ें भी इसके शीर्ष स्थान में हैं। उसी को योगियों ने ब्रह्मरंध्र कहा है। पाद और भुजाएं शाखाएं हैं, कबंध तना ये सब अधोमुखी हैं। शीर्ष ही ब्रह्मरंध्र ही समस्त ऊर्जा का केंद्र है।
तथा मनुष्य इसके द्वारा समस्त ब्रह्मांड के साथ संबंध स्थापित करके ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। संसार में परमात्मा व्याप्त है, शरीर में उसका ही अंश जीवात्मा है, जो ब्रह्मांड का दर्शन भी कर सकता है और अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण भी। इसे ही योग कहते हैं। इकाई जब संपूर्ण से जुड़े तो योग होता है, उससे अलगाव का अनुभव ही वियोग है। सिद्ध योगी देह में ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में देह का अनुभव करता है, वही समस्त ब्रह्मांड में ब्रह्म के दर्शन करता है, उसे सब कुछ अपना लगता है और संसार में अपना ही प्रिय लगता है। जो ज्ञानी केवल ब्रह्मांड में व्याप्त परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, उसे बाहर की भिन्नता को काटकर भिन्नता के कपड़े उतार कर ही शुद्ध ब्रह्म के दर्शन मिलते हैं। ज्ञान वैराग्य के शस्त्र से परमात्मा पर फैले इस वृक्ष रूपी आवरण को काट छांट कर हटा सकते हैं और शुद्ध अभिन्न अछेद्य अभेद्य परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। वैराग्य द्वारा संसार के कर्म बंधन से मुक्त होकर अथवा सांसारिक विषयों के मोहजाल से निकलकर अपने व्यावहारिक जीवन से ऊपर उठकर संसार के मूल स्रोत परम सत्ता परम चैतन्य रूप परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusdevotional.